सो प्यार से बोलेंगे जकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव। सो हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विज राइडर नोएडा। और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और तो चलने का समय आ चुका है और अभी हम हैं चोपता में, चोपता के जंगल में, और अपनी स्पीडी भी रेडी है, अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी। तो हम रुके थे बंकर हाउस में, अब बंकर हाउस मेरे ठीक मेरे पीछे है। ये द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा और इनका एनवायरनमेंट जो इन्होंने बना रखा ना इज वेरी इको फ्रेंडली। हम यहाँ पे बिल्कुल जंगल में हैं, जंगल के बीच में। चोपता इज कम्प्लीटली इज अ फॉरेस्ट रिजर्व, इट्स अ फॉरेस्ट एरिया। सो आई थॉट दैट यू नो वी विल नॉट गेट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कैफेज हियर बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर द वेरी नाइस कैफे सिंस वी हैव बीन इन ऋषिकेश। सो आई वॉज लुकिंग फॉर द गुड कैफे। सो ये जो बंकर हाउस है, तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 कैफेज विजिट करे एंड आफ्टर दैट आई फाउंड दैट बंकर द बंकर हाउस। सो जब हमने यहाँ पे पहले अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया, हम शायद नाइट में पहुँचे थे ना? हाँ, नाइट में किया था हमने, डिनर स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले। वी हैड आवर डिनर, फर्स्ट डिनर हियर, देन आफ्टर दैट आई वाज क्वाइट यू नो एस्टोनिश्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ द। चलो लेट मी फर्स्ट लेट्स टेक अ टूर ऑफ दिस बंकर हाउस। सबसे पहले जस्ट हैव अ लुक कि जो इन्होंने इसको पूरा, जैसे इन्होंने इसका पूरा सिटिंग एरिया बना रखा है, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। See, this is a marshal. Yep. Very friendly and very very cheerful dog it is. Marshal, और यहाँ पे आपको दो है, मार्शल और ऑस्कर। हे मार्शल, मार्शल देखेगा नहीं, मार्शल इज फुल ऑन विद एटीट्यूड। मार्शल इज वेरी फ्रेंडली पेट। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो इनका जो फूड क्वालिटी है जो इन्होंने मेंटेन करके रख रखी है, इट्स वेरी अमेजिंग। मतलब हमें एक बार को तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हाँ चलो ठीक है मिलेगा, क्या मिलेगा, बट व्हेन वी स्टार्ट हैविंग अ मील हियर तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं रुकेंगे। और हम यहीं रुके 2 दिन से और इन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है और फूड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। आप मतलब एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, मैं तो इतना कहूँगा, है ना पूरा। एग्जैक्टली, इनकी जो यहाँ पे फूड क्वालिटी एंड स्पेशली द सिटिंग एरिया और जो यहाँ का फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द स्टाफ एंड लाइक यू नो बहुत ही वेल मैनर्ड बिहेव स्टाफ है इनका। सो यू नो द एनवायरमेंट ऑफ दिस कैफे डिस्टिंग्विश दिस कैफे फ्रॉम अदर्स कैफे इन चोपता। चोपता की मैं बेस्ट प्रॉपर्टी कहूँगा कि चोपता में अगर आप रुक रहे हो। अच्छा, अब आते हैं अगर बजट की बात आते हैं तो बजट में बहुत ही रीजनेबल है, फूड क्वालिटी इज़ गुड। फूड को अगर आप इंजॉय करोगे, अगर आप फूड क्वालिटी को देखोगे तो फूड के हिसाब से बहुत रीजनेबल प्राइसेस हैं। अब आती है स्टे की बात, तो स्टे में इनके पास रूम्स भी हैं जो अगर किसी को प्राइवेट रूम्स लेना है तो वो भी रीजनेबल हैं। और अगर ग्रुप्स आते हैं, फ्रेंड ग्रुप्स आ रहे हैं या फिर 5-6 बंदे आ रहे हैं तो इनके पास बंक बेड्स भी हैं, तो दैट्स व्हाई द नेम इज बंकर हाउस। तो कंप्लीट मतलब आप खाना खा रहे हो, यहाँ पे पीछे लाइट म्यूजिक ऑलवेज चल रहा है एंड अपार्ट फ्रॉम बॉनफायर होता है नाइट में 31st, इवन ये न्यू ईयर वगैरह पार्टी भी बड़े अच्छे ढंग से। और एवरी संडे अगर कोई वीकेंड पे प्लान कर रहे हैं ना तो एवरी संडे दे हैव अ डीजे नाइट। तो मतलब कोई भी आ रहा है तो यहाँ पे अपना डांस वांस अपना इसी जगह पे जहाँ पे अभी हम हैं, इसी जगह पे दे ऑर्गेनाइज द डांस पार्टी एंड ऑल डीजे नाइट। तो यहाँ पे डीजे नाइट ये ऑर्गेनाइज करते हैं और बंक बेड भी हार्ड बहुत रीजनेबल है, लेस देन 1000 रुपीज मतलब पर पर्सन। इवन इफ यू हैव किड्स कमिंग विद यू इन दैट केस दे हैव अ वेरी नाइस। हाँ, अगर ये देखिए अगर किड्स आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे इन्होंने अपना एक अच्छा सा प्ले स्टेशन टाइप भी बना रखा है। इवन दे हैव अ गेम्स ऑल्सो, दे हैव अ बुक्स ऑल्सो अगर कोई बुक लवर्स हैं। ही इज द वन ओनली जो हम लास्ट में जब हम तुंगनाथ में फंस गए, हाँ सर्वाइवर, यस यू कैन से दिस वर्ड, दिस अ वेरी गुड वर्ड सर्वाइवर। भाई के साथ एक और भाई हैं हमारे, क्या नाम उनका? चिरंजीत। चिरंजीत, एक्चुअली चिरंजीत भाई, अखिल भाई और मैं फंस गए थे तुंगनाथ में, फंस नहीं गए थे हम, आखिरी रह गए थे और उस टाइम पर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी और तो और उसके बाद हमने जो वहाँ पे क्लाइंब किया और वो एकदम से कूदे हैं बर्फ में, जो आपने देखी भी होगी वो वीडियो जो अभी मैंने आपको दिखाई थी जब हम पूरे बर्फ में शॉर्टकट लेके बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, तो वो भाई थे, मैं था और चिरंजीत भाई थे, वो उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी आई थिंक स्नो वाइट की वजह से, स्नो वाइट पैर सुन हो गए, वो तो हम तीनों को ही हो गई थी तभी हमने शूज कर, बट
जो भी था अमेजिंग था ब्रदर, जो हमने एक्सपीरियंस किया लास्ट वाला, वो एक गलत है, लोगों ने नहीं किया। यस, बिकॉज एक गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से 70-80 लोग नीचे आ गए थे, उनमें मेरी वाइफ भी था, मेरा बेटा भी था। बट यस, हम तीनों ने वो चीज की, तुंगनाथ महादेव पर गए और स्नोफॉल मस्ट विजिट प्लेस है, प्लीज विजिट करो। यस, चलो ठीक है भाई, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। हो गया हवन, जय माता दी, हर हर महादेव। हम थे उस वाली प्रॉपर्टी में, वो भी बंकर हाउस है। अभी हम भैया की दूसरी प्रॉपर्टी में, ये भी बंकर हाउस है। भैया के पास यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी हैं और यहाँ पे भी रूम्स हैं और वहाँ पे कैफे है, वहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। और भैया भी नवरात्रे चल रहे थे, नवरात्रों के रामनवमी है तो हवन हो। जिस खाने की मैं बात कर रहा था ना कि हाँ, द फूड क्वालिटी इज टू गुड एंड अमेजिंग, तो ही इज द मैन जिसके जिनका उस खाने के पीछे जिनका हाथ है, यही है, इन्हीं के हाथों में जादू है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन मैन, इनकी मर्चेंट नेवी में जॉब लगने वाली है और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सीरियसली आई रियली प्राउड की, मतलब कितना स्ट्रगल रहता ना पीछे, और एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे जब उसकी स्टोरी देखी जाती है ना तो पता चलता है कि कितना स्ट्रगल उसने किया है, और दिस इज अ स्ट्रगल लाइफ। बट इन एडवांस आई एम गिविंग यू कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और अब मिलवाता हूँ मैं आपको इस पूरे फ्रेंडली, इको फ्रेंडली एनवायरमेंट के पीछे जो सर हैं हमारे, ये ही इज द मैन जो इनके, जो बंकर हाउस के जो ऑनर हैं। और सीरियसली मैंने जैसा आपको बताया, पूरी डिटेलिंग बताई, बंक बेड्स भी हैं, रूम्स भी हैं, फूड क्वालिटी भी है। तो सर हैं, सर मुझे ये बंकर हाउस के बारे में आप बताइए, किस तरीके से आपने ये सोचा, किस तरीके से आपने ये, ये सब तुंगनाथ बाबा की कृपा है, हर हर महादेव। हम भी जैसे सब लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, केदार बाबा के दर्शन करने आए थे लॉकडाउन में, और उसके बाद यहाँ से गुजर रहे थे तुंगनाथ बाबा के दर्शन करने के, और मन में विचार आया कि यहाँ कुछ करते हैं, बच्चों के साथ ये प्रोग्राम बनाया, और ये ईश्वर जैसे रास्ता खुलता है वही बात मन में आती है, और वो सब होता चला गया। आज हमारे पास 3 प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और सब लोगों के आशीर्वाद से हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, एक बंकर हाउस को चैन के रूप में चलाएंगे, ऐसा हमारा। ठीक सर के पीछे अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए, आपको ये मैं टर्न लिया और देखिए महादेव, तुंगनाथ महादेव। और वो रही सर की एक और प्रॉपर्टी, उस रूम से बिल्कुल सीधा सामने दिखता है, यहाँ से दिखता है, और ये रहा आई लव चोपता।